बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। निर्भीक होकर लोगों ने किया अपने मत का प्रयोग। चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने आज सारे काम छोड़कर अपने मत का प्रयोग किया। इस मत के लिए लोग सुबह होते ही अपने अपने बूथों पर वोट डालने के लिए चले गए और लाइन में खड़े हो गए। अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें टोकन सिस्टम के द्वारा टोकन देकर अपने नंबर आने का इंतजार करने लगे। इस भीड़ को और दिव्यांगों की मदद करने के लिए कुछ छात्रों को भी इस चुनाव में लाया गया था। कुछ मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों की मदद के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई थी। ईटखोरी आदर्श मतदान केंद्र पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया। चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर आप वोट देने आए हैं? हम बड़ी तो 18 साल से वोट दे रहे हैं। वोट देने आए हैं, इसका मतलब क्या सपना क्या है, क्या कहना है? हम चाहते हैं कि इस राज्य में स्थायी सरकार बने, क्योंकि स्थायी सरकार ही राज्य का समुचित विकास कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार में अधिक से अधिक भागीदारी हो और यहाँ एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था चले, यही हमारी इच्छा। यही सोच करके हम लोग जो है वोट कर रहे हैं। वोट कितने साल से दे रहे हैं आप? कितने बार वोट दे चुके हैं? कितने साल दे रहे हो? कैसा सरकार चाहते हैं? कैसा सोच के आए होंगे वोट देने के लिए? आप कैसे सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? आप कैसे सरकार चाहते हैं? क्या करते हैं आप? अपने घर का धंधा कुछ। आप कैसे सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार बनाना चाहते हैं जो सारे जनता को जो विकास करे, सबको एक नजर से देखे, वैसे सरकार बनाना चाहते हैं। मुकेश कुमार, कैमरामैन आनंद के साथ। आप देखें आरपी भारत, अभी सभी लोग सुबह सुबह उठकर आए हुए हैं वोट देने के लिए। लंबी कतारें लगी हुई है, बहुत लोगों में उत्सुकता है वोट देने के लिए। अभी हम मिलते हैं युवक से जो कि पहली बार वोट दिए हैं, उनसे जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अनिल राणा। क्या करते हैं? मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। आप वोट पहली बार दे रहे हैं? पहली बार दे रहा हूँ। उंगली दिखाइए। आप वोट दिए, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं बहुत पहले से वोट के मामले में वोट सुनते थे कि वोट हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो विकास करे केंद्र में राज्य में, और विकास के मुद्दे पे मैंने वोट दिया हूँ। और वोट देने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ है,
कि हमारा विकास भी तेजी से बढ़ रहा है, उसी मुद्दे को देखते हुए हमने अपना मत को दिया।